हाय फ्रेंड्स, मधुस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल पराठा जो सर्दियों में ही बनता है। आप लोग ज़रूर बनाइए। ये देखिए, ये जो फली आती है, तुअर की फली बोलते हैं इसे, इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। मेरे पास एक बड़ी कटोरी दाने हैं, अगर मेजरमेंट के हिसाब से है तो 1 कप है। थोड़ा सा हरा धनिया है, एक हरी मिर्ची, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 5 से 6 लहसुन की कली। मसालों में लेंगे तो 1 बड़ा चम्मच तेल है, आधा टीस्पून जीरा है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हींग और नमक स्वाद अनुसार। और आटा जो है वो नॉर्मल रोटी का लगाया हुआ है मैंने। ये देखिए, एक पॉट लेंगे, इसके अंदर हम जो तूरी के जो दाने हैं वो डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे, इसको बारीक पेस्ट बनाना है, हरी मिर्ची, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ता, लहसुन, सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब एक मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है, अब जीरा डाल देंगे, जीरा लाल हो चुका है, इसमें हल्दी डाल देंगे 1 चुटकी। इसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे, अच्छे से तेल में सेकेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद गरम मसाला डालेंगे 1/4 चम्मच, हींग डालेंगे 1 चुटकी भर, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, सभी मसालों को मिक्स करेंगे। इसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मसाले को सेक लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैंने आटे की एक गोली बनाई है, इसे सूखे आटे में लपेट के रखना है और इसकी एक छोटी सी रोटी बनाना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए, इस तरह से पराठे को फोल्ड करना है, हाथ से प्रेस करके वापस से सुकाटा लगाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से सुकाटा लगाया मैंने। रोटी को आराम आराम से बेलेंगे ताकि ये फूटे नहीं। तवे पे पराठा डाल देंगे। ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक न्यू रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा तेल डालेंगे, पराठा है तो तेल तो डालना ही पड़ेगा, आप चाहे तो घी में भी सेक सकते हैं। दोनों साइड से अच्छे से तेल डाल के सेक लेंगे पराठे को। ये देखिए, एकदम लाल लाल पराठा जो है वो तैयार है। आप इसको दही के साथ, सॉस के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, खाने में ये बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।